पीवा जा रहा है, ये जूस पी रहे हैं मम्मा जूस। ये किशमिश रखे हैं और ये देखो बैट का हाल क्या करे हैं। ये चिप्स लेकर अभी आए हैं, ये इसकी क्यू को चबा लिया है, इसकी क्यू को चबा कर छोड़ दिया है। और एसी वाले रसाई को कितने क्या वहाँ से पीछे वाली कमरे में रख दिया था, उठा कर लाया है। इतना अब शैतानी करता है, मार्केट घुमाए। जय साई राम। हमारे बच्चे की कारिस्तानी देख ली है। और दोस्तों आप सब कैसे हो? सभी ठीक ही होंगे, ठीक हो? ठीक ही होंगे। प्रियंका गुप्ता के YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप आज माता रानी का दूसरा दिन है, मैं तो उठती बैठती पहले दिन आखिरी दिन रहती हूँ। और बस नवदुर्गे गई, करवा चौथ आई, दीपावली आई, यही त्यौहार आ गए हैं। बस इन्हीं त्यौहारों का एंड हो जाएगा, फिर हर साल अगली साल आएंगे, फिर शादी ब्याह चालू हो जाएंगे, यही होता है। अभी कारिस्तानी करते खुल रहे हैं और हमने देख रहे हैं कि इसने फैला तो नहीं है। बहुत जल्दी फैलाता है चीज़। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना और डेली वीडियो देखा करो। और प्रियंका गुप्ता किचन को प्लीज़ यूट्यूब पर जाकर लाल रंग का सब्सक्राइब बटन होगा, सब्सक्राइब कर लेना। उसी के बगल में बेल आइकन बटन होगा, तो बेल आइकन बटन बजा देना और लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एक लाइक तो कर दिया करो, लाइक करने में आपको चलो आपने अपना एक लाइक तो कर दिया करो और डेली वीडियो देखा करो। बस ये काम से अभी फ्री हुई हूँ और जब तो मैंने आपसे बात नहीं कर पाई थी, क्यों? क्योंकि सोए खाने का रहता है, बच्चे का रहता है, तो हमने तब बात नहीं कर पाई थी। हमने कि चलो अब बात कर लूँ और एंड भी हो जाएगा साथ ही में। और आप लोग कमेंट कर भी पूछ सकते हो। और बस ये अपने बैठ गए हैं और बस सुबह का जल्दी जल्दी फटाफट अच्छी रेसिपी है, इस तरह की भी आप सब्ज़ी बना सकते हो। इस तरह की सब्ज़ी खाते खाते बोर हो गए तो उसमें भी ट्विस्ट आप दे सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और देखना रेसिपी में मैं क्या बता रही हूँ, किस तरह से मैंने आज की सब्ज़ी पत्ता गोभी की सब्ज़ी किस तरह से बनाना बताइए। आप लोग देखना ज़रूर और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगता है, ये भी बताना। चलो अब वीडियो का चलो फिर देखो। कोचिंग में डालो टॉपर के लाइव क्लासेस, अडैप्टिव प्रैक्टिस और आस्क डाउट्स से स्टूडेंट्स की कोचिंग बढ़ेगा। विद आवर टॉपर बने टॉपर, बेटर लर्निंग, बेटर रिजल्ट्स। ट्रेंडीएस्ट फैशन कलेक्शन, यानी आप भी खुश और पॉकेट भी तो दिवाली होगी और एक्साइटेड। क्लिक ऑन पेज विल इन सर्च टू 10th अक्टूबर। बैठ जा बेटा, कॉलेज में बैठो, अच्छा गाना गाती बैठो। हां बैठ के पहनो बेटा, तुम गाने गाती उल्टा पहन रहा बेटा। और असली चौको से बनती है इंडिया से नंबर वन चौको पाए, इंडिया का बॉस बने। किस चीज से लाए हैं आप? और इंडिया नाइन नाइन डिटोल्स, नाइन नाइन डिटोल्स और पॉकेट भी से कराए और एक्साइटेड। एक बोल रहे हैं कि हम नाइन नाइन डिटोल से, मैंने नहाया है डिटोल से, आप भी नहाया करो। बोलो आप उनसे बात करो, और दे दो नाइन नाइन के लिए बाय बाय। डिटोल से नाइन नाइन कर लिए, बाय बाय बाय। नहीं नहीं चलो लो पेंट पेन पेंट पेन बच्चन के संगे वो जी जीन्स के पेंट बटन वाले हो ना तो उनको भी अच्छी नहीं लगते पहनाने में। अब देखो ना इतना नखरे बताता है, इतना नखरे कि कह नहीं जा सकते, बहुत नखरे हैं इसके पहनने में। डिटॉल से नहाना है तुम नहा चल रहे नहीं। अब देखो इसको नखरी, पेंट कहाँ है, टी शर्ट कहाँ है, जीन्स के पेंट चाहिए। और अब 10 रुपए का टाइम पास, एक घंटा लग जाता है बच्चों को भी तैयार करने में, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते। क्योंकि बच्चे जब कुछ अपना बनाते हैं तो उन्हें जिंदगी भर कुछ बनाते रहने का कॉन्फिडेंस मिलता है, तो बचपन की क्रिएटिविटी यही होता है। तो मेरे सैम दिख दे बच गया, पैरा भी है बच्चों को बहुत ही करना, ताकि तुम्हें पता रहे व्हाट यू मीन। ऑन रॉन्ग
इनको तैयार कर देंगे। बच्चे तैयार हो जाते ना तो मारे फ्री हो जाते हैं। चलो एक टेंशन नहीं, तो मैं क्या बच्चे को नहाना। अब सर्दी आ रही है तो उनको पहले ही तैयार कर देती हूँ। कहीं पानी में अब तो रख नहीं सकती ना इसको। बैठो बैठो। सर्दी में तो पानी में खड़ा नहीं कर सकते, गर्मियों में तो खड़ा कर सकते हैं, इसलिए जी बात कर रहे हैं आपसे। क्या कर रहे हैं? उनकी बाल और कर दो मैडम। हेलो पे क्या है? ऐसे आना उनके सामने ही तो आओगे। वो सामने नहीं आता है, यानी कि हम सामने हो। जल्दी जल्दी करो, सुबह के तो भागा दौड़ी रहती है काम के। अब इनका नहा दिया तो इनको एप्पल देना है। बस चले तो ले भी जाऊंगा। बनाना रखे तो बनाना दे देंगे। पैरों को आराम की आदत पड़ चुकी है। ये चलेगा, दौड़ेगा। ये बाटा जा और अपने लेकर ना। इंट्रोड्यूसिंग द न्यू बाटा स्टेप अहेड कलेक्शन। बच्चों को तैयार करो फिर सरप्राइजिंग बाटा। अप टू 80% ऑफ ऑन इंडिया यानी आप भी कुछ चलो फिर को तो तैयार कर दिया। मैं कर लूँ बस। आज हम आपको पत्ता गोभी आलू मूंगफली की सब्जी बनाना बताएंगे। आज पत्ता गोभी में मूंगफली डालेंगे, पीनट और थोड़ी अलग तरीके से सब्जी बनाएंगे। एक ही सब्जी खाकर आप बोर हो गए हो और एक ही तरीके से बनाकर बोर हो गए तो आप इस तरह से ट्विस्ट दे सकते हो। और इस वीडियो को देखना एंड तक। चलो आपको बनाना बताते हैं मैं पत्ता गोभी मूंगफली आलू की सब्जी कैसे बना रही हूँ। चलो बनाना स्टार्टिंग करते हैं। और यहाँ पर आपको मैंने प्याज लिया है। प्याज को आपको लंबा लंबा काट लेना है और मिर्च को काट लेना है, अदरक को काट लेना है। और पत्ता गोभी को मैंने यहाँ पर काट लिया था पहले ही और उसको दो तीन पानी से धो दिया है और पानी में डालकर थोड़ी देर के लिए रख देना। इससे क्या होता है, पत्ता गोभी के जो पत्ते होते हैं वो खिले खिले बनते हैं, खिले खिल जाते हैं तो सब्ज़ी में और स्वादिष्ट आ जाता है और खिले खिले हुए बनती है सब्ज़ी। फिर यहाँ पर मैंने एक प्याज भी कट गई है और मेरे बॉयल आलू रखे हुए हैं। यहाँ पर मैं दो आलू ही डालेंगे, आप कच्चे भी डाल सकते हो छील कर। और यहाँ पर आप चलो बनाना बताते। एक कढ़ाई लेना, कढ़ाई में दो चम्मच अच्छा तेल लेना है। तेल गर्म हो जाए तो उसमें प्याज, जीरा, हींग, राई, कड़ी पत्ता, दो खड़ी लाल मिर्च और थोड़ी प्याज को ब्राउन हो जाए तो उसमें आपको पत्ता गोभी डाल देना है। मैंने मूंगफली को पहले ही सेक कर रख ली थी कल, तो सिकी हुई रखी है इसलिए नहीं सेक रहे हैं। फिर इसमें पत्ता गोभी में आपको नमक डाल देना है और मिलाकर ढाँकर उसको पका लेना है। यहाँ पर मेरी पत्ता गोभी पक चुका है। इसमें अब हम दो बॉयल आलू को डालेंगे। आप पीसेस में काट कर भी डाल सकते हो और आप कच्चे डालो तो पत्ता गोभी के साथ ही डाल लेना तो साथ में ही पक जाएंगे। यहाँ मेरे बॉयल है इसलिए मैंने नहीं डाले हैं। फिर यहाँ पर मैंने ये मूँगफली सिकी रखी थी, ये मूँगफली को डाल देना है। फिर आपको मसाला डालना है, लाल मिर्च, जीरा पाउडर, धनिया थोड़ा ज़्यादा डालना है, गरम मसाला और अमचूर डालकर उसको आपको मिला लेना है और 5 मिनट तक और तेज आंच पर भून लेना है। और यहाँ पर हल्दी नहीं डालना है, यही है, और हल्दी नहीं डाली है। और ये पत्ता गोभी आलू मूंगफली की सब्जी बनकर तैयार है। यहाँ पर मैंने कड़ी वाली मिर्च से सर्व किया है। ये खाने में बड़ी टेस्टी लगी थी सब्ज़ी, एक बार ज़रूर बनाना, फिर कमेंट में बताना। यहाँ पर धनिया ख़त्म हो गई थी, मसाला ही धनिया भर दिया, आटा भी लगा दिया, यहाँ पूजा हो गई है। तो वीडियो यहीं तक करता, अगले वीडियो फिर जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्रियंका गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर जाकर प्रियंका गुप्ता के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन बजा देना, उसी के नीचे घंटी बनी आएगी उसको बजा देना, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन आएगा सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी जल्दी करो सब्सक्राइब और अपना दोस्त बनो और वीडियो को डिलोज देखा करो। चलो वीडियो का एंड करेंगे। आज का वीडियो यहीं तक का था, अगले वीडियो फिर जल्दी मिलेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रियंका गुप्ता किचन को सब्सक्राइब कर लेना। चलो बाय भैया, बाय कर लो, बाय 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 कर लेने। चलो बाय बाय।